नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके चैनल में। आप जानते हैं कि इस चैनल में प्रतिदिन एक उपाय बताया जाता है। ये उपाय आप कोई भी कर सकता है, यानी आप पर कोई भी दशा है, आप किसी भी राशि के स्वामी हैं, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। जो आज नए हैं वो समझ लें कि आप यह उपाय करने से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। यह उपाय आप सूर्य डूबने से पहले करें तो बहुत अच्छा है। सूर्य डूबने के बाद वाला उपाय यदि होगा तो स्पेशल बताया जाएगा। इसलिए इस उपाय को दिल से कीजिए, क्योंकि यह उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और बहुत लोगों की जिंदगी बदल भी चुकी है। तो आइए जानते हैं आज का उपाय। जय साईं राम। अब हम बात करेंगे मंगलवार के उपाय की। आप जानते हैं 5 मई 2020 को मंगलवार है और मंगलवार का उपाय आपको ऊर्जा शक्ति देता है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, मनोबल को बढ़ाता है। मंगल का उपाय मंगल को उच्च कर देता है और जब मंगल उच्च हो जाते हैं तो व्यक्ति बहुत अधिक कामयाब होता है, मनोबल उसका बढ़ जाता है और प्रत्येक कार्य छोटा लगने लगता है और उसे आसानी से करने की हिम्मत आ जाती है। तो मंगल का उपाय अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है, इसलिए आपको मंगल का उपाय करते रहना चाहिए। मंगलवार के दिन नॉनवेज वगैरह नहीं लेना चाहिए। इसका आध्यात्मिक कारण तो ये है कि ये हनुमान जी का, माता जी का वार है, परंतु इसके पीछे मेडिकल साइंस ये कहती है कि मंगलवार के दिन मंगल की ऊर्जा काफ़ी तेज होती है, जिस कारण हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएं बहुत होती हैं। तो नॉनवेज खाने से हमारा ब्लड प्रेशर और अधिक बढ़ जाता है। इसके पीछे मेन कारण ये भी बताया जाता है, ये आध्यात्मिक कारण है। आध्यात्मिक कारण तो है कि भाई माता जी का वार है, हनुमान जी का वार है, और ये मेडिकल साइंस का जो कारण है वो भी मैंने आपको बताया। तो बचना चाहिए इस दिन, क्योंकि इस दिन बहुत सारी शक्तियां भी धरती पर प्रवाहित होती हैं। तो आज का उपाय है कि दो मीठी चपाती आप तैयार करें, मीठे वाली रोटी दो बनाएं, चीनी या गुड़ डालकर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और वह दो चपाती ज़्यादा भी बना सकते हैं आप दान करेंगे, चाहे किसी कुत्ते को खिलाएं, चाहे आप किसी गरीब को दें, चाहे धर्म स्थान में दें, चाहे जल प्रवाह करें, चाहे कीड़े मकोड़ों को डालें, ये सारी ऑप्शन आपके पास हैं। तो आप ये दान कीजिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। कोरोना वायरस फैला हुआ है, अधिक से अधिक दान करने की आदत डालिए, क्योंकि मरने के बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो परमात्मा हमसे सवाल अवश्य करेंगे कि कोरोना काल में हमने कितना दान किया था, क्योंकि ये समय है दान का, जबकि प्रत्येक प्राणी को दान करना चाहिए, चाहे वो खुद भी दान ले रहा है उसे भी दान देना चाहिए। तो हमें इस समय में पूर्ण रूप से दान करना चाहिए और अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हमने कितना दान दिया है। योग्य पात्र को दान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस समय बहुत लोग मजबूर हैं, हमारे पास लाइन लगी रहती है, हम लगातार अन्न का दान कर रहे हैं, हम लगातार जो है गरीबों को दान दे रहे हैं। आपको भी चाहिए इस समय में अधिक से अधिक दान दें। यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा, यदि आपको कोई समस्या है, जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है, वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम
आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, जिंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।